बार बीएसपी जरूर अपना प्रेजेंस बताएगी, और वो बीएसपी नहीं है जिसमें जिसको 1000-2000 हमेशा वोट आती थी, इस बार हम सीट जीत लेंगे। केसीआर को डरा दिया है आप? केसीआर नहीं, तेलंगाना केसीआर के ऊपर जीत गया। तो जब ऑफिस तोड़ा गया था तो आप काफी सेंटिमेंट हुए थे कि हमारे ऑफिस को तोड़ दिया गया है ना, हम इसका जवाब देंगे। जरूर जवाब। क्या जवाब होगा प्रवीण कुमार जी? जरूर ये जवाब देंगे, हम वही इलेक्शंस में जीत के जहां केसीआर बैठ रहा आज उसी जगह को हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। देश के हर हिस्से में लोग नीले झंडे हाथी निशान को पहचानते हैं। उस नीले झंडे हाथी निशान के साथ जब आरएस प्रवीण के वो कंधे पे वो झंडा आ गया तेलंगाना में, तो कितना फर्क पड़ा उस जो 1975 में जो कांग्रेस ने किया है आज बीजेपी कर रही है। मगर ये लोग कभी दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, जनजातियों के ऊपर जो अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उसका लूट मार होता है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। उसके बारे में यूनिवर्सिटीज में कल हम JNU गए थे, सब बच्चे रो रहे हैं। उसके बारे में ना कांग्रेस बात करती है ना बीजेपी बात करती है। उसका स्कॉलरशिप नहीं आती है, उसका फॉरेन कंट्री जाने के लिए स्कॉलरशिप नहीं आती है, और उसका खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं मिलता है, और पढ़ने के लिए लैपटॉप नहीं मिलता है लोगों का, गरीब लोगों का। तो फिर कैसे होगा? उसके बारे में क्यों कांग्रेस बात नहीं करती? उसके बारे में क्यों आवाज़ उठाने नहीं देते? तो असली मुद्दों के ऊपर, जो गरीबी, बेरोजगारी और कई सारे मुद्दे में ये देश के कम से कम 70% समाज मतलब सफर हो रही है, तो उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, वो मारा मारी में अब लोगों को ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप राहुल गांधी की तरफ है या नरेंद्र मोदी की तरफ है। जरूर। कितने गांवों का दौरा कर चुके हैं आप और कितने दिन चले, कितने हजार किलोमीटर चले? 204 दिन, 26,000 किलोमीटर और 1500 विलेजेस, 1500 गांव में किया। मेरा टारगेट है 5000 गांव।